हम देखते हैं अगला जिला अशोकनगर। तो अशोकनगर सबसे पहले 15 अगस्त 2003 में जिला बना था, ठीक है। अशोकनगर के तहत देखते हैं कौन कौन सी तहसीलें आती हैं। अशोकनगर में अशोकनगर, ईसागढ़, चंदेरी और मुंगा वैली, ठीक है। ईसागढ़ में आपको याद रखना है कि आनंदपुर साहिब का, ठीक है, साहिब का एक आश्रम है जिसे स्थापित किया था परमहंस दयाल जी ने। इस तरह मुंगा वैली में, ठीक है, प्रदेश की पहली खुली जेल है, एकमात्र मुंगा वैली में खुली जेल है। इस तरह यहाँ पे चंदेरी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, तो चंदेरी में देखते हैं क्या क्या है। चंदेरी में चंदेरी का किला जो 11वीं सदी का है और इसे निर्मित किया था प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने। तो अगर आपसे पूछे चंदेरी का किला कहाँ है, अशोकनगर में, और इस किसके द्वारा निर्मित किया गया, प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल के द्वारा। फिर आगे देखते हैं चंदेरी की साड़ियां जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, और इस साड़ी का पेटेंट कराने वाला मध्य प्रदेश भारत में पहला राज्य है। इसका पेटेंट करा लिया है, इसका अर्थ है कि अब चंदेरी की साड़ी मध्य प्रदेश के अलावा कहीं और नहीं बनेंगी। चंदेरी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि बैजू बाबरा की समाधि कहाँ स्थित है, तो चंदेरी में, और किस जिले में, अशोकनगर में। इसी तरह एक कदवाया, ठीक है, स्थान है, वहां पे 11वीं सदी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि बहुत ही पुराना है। नेक्स्ट, यहाँ कदवाया में एक शैव संप्रदाय का चंदेल मठ है। ओके, हम लोग नेक्स्ट जिला करते हैं गुना।